नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 9 साइंस का इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में। इसके साथ साथ इसमें हम लोग हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के बारे में भी जानेंगे, साथ साथ अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है क्रॉप प्रोटेक्शन का, तो वो भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन में कि जब अनवांटेड चीजें जब उग जाती हैं खेतों में मेन प्लांट के साथ, जैसे कि आपने राइस बोया, ठीक है, राइस लगाया फार्म में और उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स अगर उग जाते हैं या फिर अनवांटेड कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उस पे, तो उसको हम लोग अनवांटेड चीज कहेंगे। और इसी को हम लोग को रिमूव करने का और इसको कैसे इससे हम लोग मेन प्लांट को प्रोटेक्ट करें, इसी पूरे प्रोसेस को क्रॉप प्रोटेक्शन कहते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जब खेत में फसल उग जाते हैं। अब पहले इसके पहले वाला पार्ट में हम लोगों ने इरिगेशन देखा था, मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप क्या होता है, ये सारी चीज देखे। अब तो क्रॉप लग गई, खेत में उग भी गई ये क्रॉप, तो अब जब खेत में क्रॉप उगती है, जैसे मेन क्रॉप राइस है, तो अगर राइस उगी तो उसके साथ साथ होता यह है कि कुछ अदर प्लांट्स भी उग जाते हैं। जो अदर प्लांट्स उगते हैं मेन प्लांट के साथ साथ, ठीक है, वो नेचुरली उग जाते हैं, उसको कोई उगाता नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे वीड्स प्लांट, जो कि अनवांटेड होते हैं। ठीक है, तो वीड्स किसको कहेंगे, जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं मेन क्रॉप के साथ, उसको हम लोग वीड्स कहेंगे। उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स में कुछ पेस्ट आ जाते हैं, मतलब कि कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उस पर, ठीक है, जो उसके पत्ते को खा जाते हैं, फल को खा जाते हैं, तो बीज को खा जाते हैं, तो ये उसको प्लांट्स पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट पेस्ट कहेंगे। उसके बाद आ जाता है प्लांट डिजीजेस, कुछ वायरस बैक्टीरिया के कारण कुछ डिजीजेस लग जाती है, तो उसको प्लांट डिजीजेस कहेंगे। इफ वीड्स एंड पेस्ट्स आर नॉट कंट्रोल्ड एट ए एप्रोप्रिएट टाइम, अगर वीड्स और पेस्ट्स को सही समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो हमारे पूरे फसल को बर्बाद कर देंगे, इससे क्रॉप का लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वीड्स क्या होते हैं, यही तीनों को हम लोग को समझना है, इसमें मेन तीनों, इसी तीनों से खतरा रहता है, वीड से, इंसेक्ट पेस्ट से और प्लांट डिजीज से। तो तीनों को लाइन से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वीड्स क्या होता है। तो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट इन द कल्टीवेटेड फील्ड, ठीक है, तो वीड्स क्या हो गया, अनवांटेड प्लांट। जैसे कि मैंने बताया कि मेन प्लांट के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो कि मेन प्लांट के साथ रहते हैं, जो कि अनवांटेड रहते हैं, ठीक है, उसको हमने उगाया नहीं रहता है, राइस बोया तो उसके साथ साथ कुछ अदर प्लांट भी उग जाते हैं, तो उसी को कहते हैं वीड्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जेंथेलियम हो गया जिसको गोखुर कहते हैं, पैराथेनियम हो गया जिसको गाजर ग्रास कहते हैं, उसके बाद सेपर्नियस रोटोंडस हो गया मोथ जिसको प्लांट कहते हैं। तीनों का फोटो भी दिया, गोखुर का फोटो ये है, ये वाला फोटो आपने देखा होगा, ये गोखुर होता है, उसका गाजर ग्रास इस टाइप का प्लांट देखोगे या हमेशा उगते रहता है मेन क्रॉप के साथ, अक्सर साइड में ये उग जाता है। उसके साथ साथ ये जो मोथ होता है, ये वाला प्लांट भी आप देखोगे, ये सारे अनवांटेड प्लांट है। ये क्या होता है कि ये जब खेत में उग जाते हैं तो मेन क्रॉप के साथ ये कम्पीट करते हैं, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स को खाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स खेत में मिट्टी में जो है, जो कि मेन प्लांट के लिए था, वो ये भी चूसने लगते हैं, ये भी खाने लगते हैं, तो मेन प्लांट को उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। उसके साथ साथ ये फूड का तो हो गया, मतलब कि जो प्लांट फूड ले रहा है मिट्टी से वो हो गया, उसके साथ साथ जगह भी ये घेरने लगते हैं, इसके जड़ फैलने लगते हैं काफी तेजी से, उसके साथ साथ ये लाइट को भी छेकने लगते हैं, तो हर तरह से मेन प्लांट को ये नुकसान पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ वीड्स जो है वो न्यूट्रिएंट जो लेते हैं उसके कारण जो मेन क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं या फिर उसको कम कर देते हैं, जितना वो ग्रो होना चाहिए था उससे थोड़ा ग्रोथ उसमें कम हो जाती है वीड्स उगने के कारण, ठीक है, इसलिए वीड्स को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, उसको खेत से हटा देना चाहिए, तभी क्रॉप का मेन ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। तो यही मेन वीड्स की कहानी होती है कि ये अदर प्लांट होते हैं जो कि उग जाते हैं मेन क्रॉप के साथ, ठीक है, और अपने आप ही उग जाते हैं और मेन प्लांट के साथ ये कम्पीट करते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, तो ये सारा न्यूट्रिएंट्स ये चूसते रहते हैं, तो इसके कारण ये हो जाता है कि मेन प्लांट को अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, तो इसलिए वीड्स को हमें हटा देना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब वीड्स को कैसे हटाएंगे ये एक साथ पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पहले इंसेक्ट पेस्ट पढ़ लेते हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट का मतलब ये हो गया कि जो छोटे मोटे कीड़े जो आ जाए, जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गए छोटे छोटे इंसेक्ट जो कि आके तीन चार तरीके से ये प्लांट को इफेक्ट करते हैं। पहला हो गया कि सबसे पहले ये रूट में लग जाएंगे, स्टेम में लग जाएंगे, लीफ में लग जाएंगे, जो डायरेक्टली इसमें लग के उसको कट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये वाला फिगर में आप देखो यहाँ पे जैसे खोल बना दिया इसने, ठीक है, तो ये कट कर दिया और कट करके ये पत्तों को खा जाता है,
तो ये इसको कहते हैं कि इस तरह का पहला कैटेगरी का ये हो गया कि ये रूट को, लीफ को या स्टेम को कट करके खा जाता है, ओके। दूसरा हो गया कि सक द सेल सैप फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये प्लांट पे लगेगा और उसमें छोटा सा होल करके और उसमें इसका रस चूसने लगता है, जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल से देख सकते हो, यहाँ पे देखो आप इसमें चिपका हुआ रहेगा और इसका जो स्टेम है इसमें से वो रस अपना चूसते रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखो इस पत्ती पे भी लगा हुआ, पीछे से बैक साइड है पत्ती का, और इसमें से आप इस तरह के कीड़े अक्सर देखे होंगे प्लांट में, आपके घर के गार्डनिंग में भी होता है, तो किसी हर प्लांट में लग जाते हैं इस तरह के, तो इस तरह के जो पेस्ट लग जाते हैं ये भी इस तरह का आ जाता है, इसी दूसरे कैटेगरी में आता है। तीसरा हो जाता है कि दे बोर द होल इनटू द स्टेम एंड फ्रूट, ये छेद ही कर देते हैं। आप कभी कभी कोई फल लेके आते हैं, सेव लेके आते हैं, तो उसमें देखते हैं कि आप एक छेद किया हुआ है, तो वो कीड़े के द्वारा छेद कर दिया जाता है, वो फल में डायरेक्टली छेद करके उसके अंदर घुस के और उसके अंदर का उसको डैमेज कर देते हैं, उसको खाते हैं, तो इस कारण से हमारा फल और जो स्टेम है कभी कभी स्टेम में भी घुस जाते हैं। तो इस तरह से मतलब कोई लीफ खाता है, कोई उसके सैप को चूसता है, सेल सैप को चूसता है, उसके बाद कोई स्टेम में भी या फ्रूट में उसमें होल बना देता है, तो इस तरह का नुकसान पहुंचाता है इंसेक्ट पे, ये अटैक होता है, इस तरह का अटैक होता है। इसके कारण जो होता है कि क्रॉप की हेल्थ वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी यील्ड कम हो जाती है, कभी कभी होता है कि उसमें जो फ्लावर निकलते हैं फ्लावर को ही खा जाते हैं, ठीक है, तो फ्लावर ही नहीं हो पाता तो फिर सीड कहां से होगा, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। ये हो गया इंसेक्ट पेस्ट के कारण, हम लोग वीट समझ लिए, इंसेक्ट पेस्ट समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं प्लांट डिजीज के बारे में। पेस्ट में था कि कीड़े हमें आंख नंगी आंखों से दिख रहे थे, लेकिन प्लांट डिजीजेस में होता है कि इसमें अटैक होता है वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा, ये हमारे नंगी आंखों से नहीं दिखते, ठीक है, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये हमें वायरस बैक्टीरिया नहीं दिखेंगे और इसमें पूरे प्लांट के हेल्थ को ये खराब कर देंगे। जैसे आप देख लो ये वायरस से अफेक्टेड प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा लाल लाल कर दिया और बीच में होल कर दिया, ये कोई इंसेक्ट बैठा हुआ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे ये डैमेज करते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये पैथोजन जो होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब हवा, पानी और मिट्टी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट काफी तेजी से ये फैल जाते हैं, अगर खेत में एक जगह पे लगा तो धीरे धीरे पूरा पूरे खेत को बर्बाद कर देते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी हो गया, जैसे प्लांट डिजीज में बैक्टीरिया वायरस के द्वारा जो हुआ तो वो प्लांट डिजीज कहेंगे, पेस्ट के द्वारा तो इंसेक्ट पेस्ट कहेंगे, और अगर जंगली घास उग गया उसमें तो उसको वीड्स कहेंगे। अब हम लोग इसको कंट्रोल कैसे करें, वीड्स को, इंसेक्ट्स को और डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो वीड्स में इसमें केमिकल का यूज किया था, सबसे पहले जो केमिकल यूज किया था उसको हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड, ये एक जनरल टर्म हो गया पेस्टिसाइड, ठीक है। लेकिन जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो होगा उसको कहेंगे हर्बिसाइड, जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए होगा उसको कहेंगे इंसेक्टिसाइड, और जो डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए होगा जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं उसको हम लोग कहेंगे फंगीसाइड्स, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, तो हर्बिसाइड्स का मतलब हो गया जो वीड्स को कंट्रोल करे, इंसेक्टिसाइड्स का मतलब हो गया जो इंसेक्ट्स को और पेस्ट को कंट्रोल करे, और फंगीसाइड का मतलब हो गया जो डिजीजेस और वायरस बैक्टीरिया जो लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, उसको जो कंट्रोल करता है उसको हम लोग फंगीसाइड कहते हैं। ये केमिकल होते हैं, इसको आप पानी में डाल के मशीनों के द्वारा या मैनुअली प्लांट के ऊपर छिड़काव किया जाता है, ठीक है, अपने मशीन के द्वारा भी इसको छिड़काव किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनों के द्वारा ये छिड़काव हो रहा है, और चाहे तो आप छोटे स्केल पे है तो मैनुअली भी इसको छिड़काव किया जाता है। लेकिन इसका ज्यादा यूज करने से ये केमिकल है तो ये पॉइजनस हो जाते हैं, कभी कभी मेन प्लांट को भी डैमेज कर देते हैं, उसके साथ साथ कुछ गुड बैक्टीरिया भी रहते हैं उसको भी मार देते हैं, साथ साथ अगर इसको ठीक से इसके फसल पे अगर ठीक से इसको धो के इसको अच्छे से नहीं खाया गया तो ह्यूमन हेल्थ में भी इसको नुकसान देखा गया है, ठीक है। तो अच्छे से अगर धोएंगे नहीं तो केमिकल होता है तो फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में भी आएगा, साथ साथ बारिश के कारण जब इसमें पत्तों में तो हम इंसेक्टिसाइड्स छिड़क दिए, उसके बाद जब बारिश हुई तो पत्तों से धुल के फिर मिट्टी में गया, फिर मिट्टी से बहते हुए ये नदियों में जाएगा तो फिर ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी करेगा, तो ये सब इसके नुकसान हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ अल्टरनेटिव मेथड, ये तो केमिकल मेथड हुआ कि जिसमें डायरेक्ट हम अटैक करके इसको आप ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल वीड्स को, इंसेक्ट को, डिजीज को, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं कि वीड्स को और ये सबको ठीक किया जा सकता है, जैसे कि मैनुअल रिमूवल, जैसे वीड्स का रिमूवल करने के लिए खेत में अगर वीड्स हैं तो मैनुअली जाके इसको रिमूव किया था, हटाया जाता है, तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे आराम से जाके इसको खेत में से वीड्स को हटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फसल को बोने के समय जब हम सीड को खेत में डाल रहे हैं
तो उस समय ही सी जो सीड है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है केमिकल्स के द्वारा और कुछ अदर मेथड के द्वारा, नीम के ऑयल के द्वारा, तो उसके कारण उसमें डिजीज रेसिस्टेंस आ जाता है। साथ साथ सही समय पे क्रॉप को बोना भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसके कारण इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का अटैक कम होता है। उसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग का यूज किया जाता है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है ये मैं इसका वीडियो अलग से बना चुका, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ये तीनों का, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग का यूज किया जा सकता है, क्रॉप रोटेशन का यूज किया जाता है, इसके कारण वीड्स कंट्रोल काफी अच्छे से हो जाते हैं। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्ट रेसिस्टेंस वैरायटी लगाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। तो पेस्ट रेसिस्टेंस क्रॉप इंप्रूवमेंट वाला जो पार्ट में इसमें पढ़ाया था मैंने, वो वाला पार्ट में इसका मैंने डिटेल से बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन करके या फिर जीन डोपिंग करके आप इसमें इस चीज को, क्रॉप को रेसिस्टेंस बना सकते हैं जो पेस्ट से अटैक होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये सब मेथड यूज, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है समर प्लाउचिंग, इन द फील्ड विच आर प्लाउज डीप इन द समर टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड प्लांट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक फसल लगा हुआ है उसमें वीड्स उगा, उसको हमने फसल ने काट लिया, अब जैसा ही फसल हुआ उसको काट लिया, लेकिन जो वीड्स के जड़ है वो नीचे जड़ में दबे रह जाते हैं। जब आप नेक्स्ट बार उसमें फसल लगाओगे, नेक्स्ट बार फूड क्रॉप्स के कुछ भी लगाओगे, तो वो वीड्स फिर से वहां से उग जाते हैं। तो इसका उपाय होता है कि समर के टाइम पे डीप प्लाउचिंग किया जाता है। डीप प्लाउचिंग का नाम मतलब है कि गहराई से उसकी प्लाउच किया जाता है, ठीक है। उससे यह होता है कि उसके जड़ हट जाते हैं, उसके जड़ सूख जाते हैं और मिट्टी ऊपर से नीचे काफी अच्छे से हो जाती है, जिसके कारण वीड्स का काफी अच्छा कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारे अल्टरनेटिव मेथड हैं जिसको यूज किया जा सकता है हार्मफुल केमिकल्स से बचने के लिए। अब कुछ एक मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि आपने इतना सारा पार्ट पढ़ा तो उसमें एक बेसिक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोर बेनिफिट, ठीक है। कौन सा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इस कंडीशन में से मोर बेनिफिट कौन देगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन है फार्मर यूजेज हाई क्वालिटी सीड, फार्मर यूज कर रहा है हाई क्वालिटी सीड, ओके। डू नॉट एडॉप्ट इरीगेशन और यूज फर्टिलाइजर, ठीक है। लेकिन वो फर्टिलाइजर और इरीगेशन को अच्छे से यूज नहीं करता है, लेकिन हाई क्वालिटी सीड यूज करता है, ठीक है। तो आप हाई क्वालिटी सीड यूज करोगे और इरिगेशन और फर्टिलाइजर दोगे नहीं तो प्लांट ढंग से उगेगा कहां से, तो ये मेथड तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, फार्मर यूजेज ऑर्डिनरी सीड, अब सीड को ही ऑर्डिनरी सीड यूज कर रहा है, अच्छे क्वालिटी का सीड यहाँ पे यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इरिगेशन अडॉप्ट किया और फर्टिलाइजर अडॉप्ट किया, ठीक है, फर्टिलाइजर और इरिगेशन दोनों किया। तो इस इरिगेशन पानी देने से और फर्टिलाइजर से क्या होगा, जब सीड प्रॉपर सीड ही आप नहीं डालोगे, प्रॉपर सीड में उतना क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो प्लांट खराब निकल नहीं, तो ये भी मेथड एक तरह से रॉन्ग हो जाता है। तो ये दोनों मेथड को यूज आप नहीं कर सकते। अब तीसरा मेथड है, कोई फार्मर है यूज हाई क्वालिटी सीड, ठीक है, क्वालिटी सीड को उपयोग किया, इरिगेशन को भी अडॉप्ट किया, फर्टिलाइजर का भी उपयोग किया और उसके साथ साथ क्रॉप रोटेशन मेथड का भी यूज किया था, ठीक है। तो ये सबसे सही प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी सीड भी है, प्रॉपर उसमें इरिगेशन भी मिल रहा है, फर्टिलाइजर भी मिल रहा है, क्रॉप रोटेशन भी किया जा रहा है, तो काफी अच्छी फसल होगी। तो इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए तो इसका आंसर आप खुद से, कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है कि किस तरह से आप इसको बेस्ट बेनिफिट निकाल सकते हो, तो क्वालिटी सीड भी होना चाहिए, फर्टिलाइजर भी डालो, सब कुछ अच्छा अच्छा करो, तो अच्छे फसल भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।